ओम शांति। 4 मार्च 1969 की मुरली। मुरली का टाइटल है होली के शुभ अवसर पर। आज आपकी खास होली है क्या? होली कैसे मनाई जाती है? होली मनाने आती है संगम की होली कौन सी? वर्तमान पाठ अनुसार होली कैसे मनाएंगे? वर्तमान समय कौन सी होली मनाने की आवश्यकता है? होली में कई बातें करनी होती है। रंगा भी जाता है, जलाया भी जाता है और साथ साथ श्रृंगार भी किया जाता है और कुछ मिटाना भी होता है। जो भी बातें होली में करनी है वह सभी इस समय चल रही है। जलाना क्या है, मिटाना क्या है, रंगना क्या है और श्रृंगारना क्या है, यह सभी कर लेना, इसको कहा जाता है मनाना। अगर इन चारों बातों में से कुछ कमी है तो मनाना नहीं कहेंगे। होली के दिनों में बहुत सुंदर सजते हैं। कैसे सजते हैं? देवताओं के समान। तो आप सभी सजे हुए हैं? सजावट में कोई कमी तो नहीं है? सजावट में मुख्य होली का श्रृंगार कौन सा होता है? स्वांग जो बनाते हैं उनको पहले पहले मस्तक में बल्ब लगाते हैं। यह भी इस समय की नकल की हुई है। आपका भी संगम का मुख्य श्रृंगार है मस्तक पर आत्मा का दीपक जलाना, इसकी निशानी बल्ब जलाते हैं। लेकिन यह सभी बातें होने के लिए होली का अर्थ याद रखना। होली जो कुछ हुआ वो हो गया, हो लिया, जो सीन हुई होली अर्थात बीत चुकी। वर्तमान समय जो पॉइंट ध्यान में रखनी है वो ये है, यह होली की अर्थात ड्रामा की ढोल की। जब ऐसे मजबूत होंगे तब वह रंग भी पक्का लग सकेगा। अगर होली का अर्थ जीवन में नहीं लाएंगे तो रंग कच्चा हो जाएगा। पक्का रंग रंगने के लिए हर वक्त सोचो होली जो बीता सो हो गया। ऐसी होली मना रहे हो वह कभी कभी ड्रामा की सीन देखकर कुछ मंथन चलता है। ज्ञान का मंथन दूसरी बात है, लेकिन ड्रामा की सीन पर मंथन करना, क्यों, क्या, कैसे, यह किस चीज़ का मंथन है? दही को जब मंथन किया जाता है तब मक्खन निकलता है। अगर पानी को मंथन करेंगे तो क्या निकलेगा? कुछ भी नहीं। रिजल्ट में यही होगा, एक तो थकावट, दूसरा टाइम वेस्ट। इसलिए वह पानी का मंथन, ऐसे मंथन करने के बजाय ज्ञान का मंथन करना है। साकार रूप में लास्ट दिनों में सर्विस की मुख्य युक्ति कौन सी सुनाई थी? घेराव डालना, घेराव, डबल घेराव डालना। एक तो वाणी द्वारा सर्विस का, दूसरा अव्यक्त आकर्षण का। यह ऐसा घेराव डालना है जो न खुद उससे निकल सके न दूसरे निकल सके। घेराव डालने का ढंग अभी तक प्रैक्टिकल में दिखाई नहीं दिया। म्यूजियम बनाना तो सहज है, म्यूजियम बनाना यह कोई घेराव डालना नहीं है, लेकिन अपने अव्यक्ति आकर्षण से उनको घेराव डालना, यह है घेराव डालना। वह अभी चल रहा है तो अभी सर्विस का भी समय भी ज़्यादा नहीं मिलेगा। समस्याएं ऐसी खड़ी हो जाएंगी जो आपके सर्विस में भी बाधा पड़ने की संभावना होगी। इसलिए जो समय मिला उसको जितना सर्विस करनी है वो अधिक से अधिक कर ले, नहीं तो सर्विस का समय भी होली हो जाएगा, यानी बीत जाएगा। इसलिए अब अपने को आप ही ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस के बंधन में बांधना चाहिए। इस एक बंधन से ही अनेक बंधन मिट जाते हैं। अपने को खुद ईश्वरीय सेवा में लगाना चाहिए, औरों के कहने से नहीं। औरों के कहने से क्या होगा? आधा फल उन्हें मिल जाएगा, क्योंकि जिन्होंने कहा अथवा प्रेरणा दी उसकी भी भाईवारी हो जाती है, मतलब उसकी भी हिस्से साझेदारी हो जाती है। दुकान में अगर दो भाईवारी अर्थात साझेदार हो जाता है तो बंटवारा तो हो ही जाता है। एक है तो वह मालिक रहता है, इसलिए अगर किसी के कहने से करते हैं तो उस कार्य में साझेदारी हो जाती है, और स्वयं मालिक बन करके करते हैं तो सारी मिल्कियत के अधिकारी बन जाते हैं। इसलिए हर एक को मालिक बन करके करना है, लेकिन मालिक बने के साथ साथ बालिकपना भी पूरा चाहिए। कहाँ कहाँ मालिक बनकर खड़े हो जाते हैं और कहाँ फिर बालक होकर छोड़ देते हैं। तो ना छोड़ना है ना पकड़ना है। पकड़ना अर्थात जिससे नहीं पकड़ना,
कोई चीज़ को अगर बहुत ज़ोर से पकड़ा जाता है तो उस चीज़ का रूप बदल जाता है। फूल को अगर ज़ोर से पकड़ो तो क्या हाल होगा? पकड़ना तो है, लेकिन कहाँ तक, कैसे पकड़ना है यह भी समझना है। या तो पकड़ते अटक जाते हैं, वह छोड़ते हैं तो छूट जाते हैं। दोनों ही समान रहे, यह पुरुषार्थ करना है। जो मालिक और बालक दोनों ही रीति से चलने वाला होगा, उसकी मुख्य परख यही होगी। एक तो निर्माणता होगी, उसके साथ निरहंकारी निर्माण और साथ साथ प्रेम स्वरूप। यह चारों ही बातें उनके हर चलन में दिखने में आएगी। अगर चारों ही बातों में से कोई भी कम है तो कुछ स्टेज की कमी है। अच्छा, वतन में आज होली कैसे खेली मालूम है? आप भी होली मना रहे हो ना, तो वहाँ संदेशी आई तो एक खेल किया। कौन सा खेल किया होगा? आप ले चलो तो बच्चों ने कहा बाबा आप ले चलो, हम भी देखते हैं। बुद्धि का विमान तो है ना, बुद्धि का विमान तो दिव्य दृष्टि से भी अच्छा। यहाँ तो वह हो ही नहीं सकता, वह चीज़ ही नहीं है। आज सुहेजों का दिन था ना, तो जब संदेशियाँ वतन में आई तो साकार को छुपा दिया। एक बहुत सुंदर फूलों की पहाड़ी बनाई, उनके अंदर साकार को छुपाया। दूर से देखने में तो पहाड़ी ही नज़र आती थी, तो जब संदेशी आई तो साकार को देखा ही नहीं। बहुत ढूंढा, देखने में नहीं आया। फिर अचानक जैसे छिपने का खेल करते ऐसा खेल देखा, फूलों के बीच साकार बैठा हुआ नज़र आया। वह सीन बड़ी अच्छी थी। अच्छा, बच्चों ने कहा फिर अव्यक्त बाप दादा के हर एक को अमृत पिलाकर भोग दे रहे थे और एक एक से मुलाकात भी कर रहे थे। खास म्यूजियम वालों को डायरेक्शन दे रहे थे कि अव्यक्त आकर्षण से म्यूजियम ऐसा बनाओ जो कोई भी अंदर आए देखे तो एकदम आकर्षित हो जाए। ओम शांति।